6 बजे से स्टार्ट है, देख ले पहले। 6:30 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है। इतने नाम तो मेरे को मालूम नहीं, इतने महाराष्ट्र में देखते हैं। एक एक इन्होंने अरे जाने के लिए करना था, तो अमित घर ने मेरा फोटो रखा है पीछे। ए जिग्ना आज आप स्टूडेंट ने कही दे बता आ आ सर पीछे चलो, अरे कुछ ऑप्शन नहीं है, पीछे हो जाएगा थोड़ा। अरे पीछे के लेना, अरे झूम नहीं है क्या तुम लोग में? क्या चल रहा है, इन लोग का धक्का उक्की कर रहे हैं। हो गया सबका, हो गया ये बात। शिल्पा जस्ट लुक यार, शिल्पा जी सेंटर, शिल्पा जी नीचे सेंटर एकदम सामने, शिल्पा जी सामने। हो गया क्या? हो गया, हो गया। अरे तू यार बैठ बैठ, एक मिनट यहाँ पे, अबे मार रहा है, मार रहा है।
Well, you know, Man Friday and our manager, we actually spend more time with them than our own family. So, extended family jaisa relationship hai inke saath. Aur Ajay, to hum log batate nahi kitne saal se hum ek dusre ke saath kaam kar rahe hain, kyunki usse hamare age ka pata chal jaye. So actually, sirf bahut hi haal hi mein hum log ek dusre se mile hain. Nahi, but bahut pyar wala rishta hai. And जो जैसे मैं लगती हूँ और अगर मुझे compliments मिलते हैं वो इनकी makeup की वजह से वो जो दूसरा face लगता है मेरे face में वो इनकी बदौलत है तो हाँ good evening आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं भी अजय जी बहुत ही पावन पर पर है आज कुछ पे आज आपने इसका उद्घाटन किया शब्द कहना चाहेंगे मेरे लिए गुड़ी पड़ा तो मेन है लेकिन मैडम ने संडे के लिए हाँ बोला ना वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ एक्सपेंड करती है हमेशा संडे लेकिन मेरे लिए आज टाइम दे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पहली बात तो इनकी कोई ऐसी चीज बताइए जो आपने इतने समय में जानी हो क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट बहुत क्लोज रहते हैं यानी कोई सीक्रेट या कोई चीज हमारे साथ शेयर करना सीक्रेट ऐसे नहीं मेकअप से बहुत प्यार करती है इतना मैं आपको बता नहीं लेकिन सीक्रेट ये कि ज्यादा मेकअप से बहुत प्यार उनको बहुत पसंद है मेकअप करना शी लाइक इट पर्टिकुलर जो उनकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है जब व्हेन शी कम्स फॉर मेकअप के लिए मतलब वही कॉन्टरिंग को चाहिए आई स्मोकी वगैरह जिस तरह से फैशन जो आजकल अपग्रेड वाला मेकअप वही उनको चाहिए कोई पुराना स्टाइल करने नया क्या करेंगे हम लोग नया वो हम लोग दोनों भी स्टडी करते रहे वो फोटोज भेजेंगे मुझे आज नया मेकअप ये करना है तो हम वो फॉलो करते हैं तो अच्छा लगता है मेरा भी काम हो जाता है उनका भी हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल इतने इतने साल में टिकती नहीं अगर हम लोग रीइन्वेंट नहीं करते और मेकअप का जो दौर है और जो स्टाइल है फैशन है वो बदलता रहता है एंड जो पहले हम लोग बहुत हैवी आईज करते थे और बहुत ज़्यादा मेकअप करते थे अब इट्स डेफिनेटली यू नो द नो मेकअप लुक वेरी फ्रेश ड्यूई ग्लॉसी मेकअप वो आजकल फैशन में चल रहा है तो यू हैव टू move ahead with times और अजय और मैं we work as a team and मैं references निकालती हूँ अरे ये देखो ये नया कुछ निकला है मैं travel करूँगी abroad तो एक कोई बेका का नया palette आ गया होगा and I'll bring it and say इसके साथ थोड़ा सा experiment करते हैं तो we always work together as a team airport का कोई look वुक नहीं होता मेरे लिए airport पे सिर्फ sunglasses पहन जाते हैं हाँ आप लोगों ने जीना हराम कर दिया है हमारा मिस करते हैं एयरपोर्ट पे ये लुक होता है मेरा आ गए तुम लोग
नहीं जैसे करण ने हाल ही में ट्वीट किया ना कि कभी कभी हम तैयार होके निकलते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स आई डू इवेंट्स, तो मैं कभी रहती नहीं हूँ ओवरनाइट, क्योंकि मैं वियान के पास वापस आना पसंद करती हूँ. तो मैं एक्चुअली जाती हूँ सुबह सुबह की फ़्लाइट से, कभी कभी 6-7 बजे सुबह की फ़्लाइट से, और मैं वही कपड़ों में जाती हूँ. मैं कभी कभी एयरपोर्ट पे चेंज करती हूँ, इवेंट पे जाती हूँ और वापस आती हूँ उसी रात को. तो कभी सो समटाइम्स इट्स लाइक इतने थके हारे होते हैं हम लोग रात की 12 बजे की फ़्लाइट पे, वहाँ पे प्रेस वाला खड़ा है. लेकिन जब सुबह के टाइम पे जब हम लोग फ्रेश होते हैं, कभी नहीं होते. सो यू जस्ट समटाइम्स फील के कभी ऐसे झल्ले वाले कपड़े पहने, लंबी फ्लाइट है, तभी हमेशा होते हैं प्रेस वाले. हाँ मिस तो करते होंगे ना हमें, जब बिल्कुल नहीं. कुछ और जवाब सुनना था आपको? नहीं, मैं प्यार भी करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो. एंड आई रियली फील कि एक आर्टिस्ट का, पापराजी का एक मेल होता है, एंड आई थिंक वी फीड ऑफ ईच अदर. तो वो जो श्रेय मिलना चाहिए आप लोगों को, मुझे, मैं कभी कभी डर जाती हूँ आप लोगों को देखती हूँ यहाँ पे इतने भीड़ भड़क के, मैं कैसे तुम लोग शॉर्ट्स लेते हो, और इट्स अ वेरी हार्ड जॉब. तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो आप लोग करते हो. व्हाट द पैप्स डू इज़ वेरी वेरी हार्ड. उनको कभी छुट्टी मिलती नहीं. देखो आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, संडे का दिन है, लेकिन यू ऑल आउट हियर वर्किंग एंड आई रिस्पेक्ट दैट. और 25 लोगों का बर्थडे है, सब लोगों को मैं विश कर दूं, लेकिन हीरो आंटी को अगर मुझे विश करना है तो मैं उनको फोन पे विश करूंगी. नहीं, मैं इनवाइटेड नहीं हूँ. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं इतने साल टिकी कैसी हूँ, और मैंने ज़िंदगी में कुछ प्लान नहीं किया है, बस लोगों की दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग है, और शायद आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, तो यू ऑल गिव मी अ बिट ऑफ इम्पोर्टेंस. बट आई थिंक एवरी ईयर इज़ अ न्यू ईयर फॉर मी. मुझे ऐसे लगता है आज भी जब मैं सेट ऑफ करती हूँ और मैं आती हूँ सेट पे, तो एक मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं एक न्यू कमर ही हूँ. तो दैट्स माय एटीट्यूड एट वर्क. लास्ट दो चीज़ें, आपने सेट भी बात की, आजकल आपके सेट के ऊपर बहुत फोटोज आते हैं, मतलब पेज 3 पे, मतलब कि मतलब कहाँ आइसक्रीम, मतलब कई बार आप नारियल. अरे मैं नारियल, वो जो अंदर का नारियल था ना, मैं वो खा रही थी, मलाई. लोगों ने छाप दिया कि मैं आइसक्रीम खाती हूँ सेट पे, कुछ भी यार. कई बार अलग अलग पोज में भी फोटोज आती हैं कि मतलब आप यू खड़ी हुई और ये सब, मतलब ध्यान रखती हैं आप इस चीज़ का? क्या ध्यान रखूँ तुम लोगों को, वो अच्छे शॉट्स, वो जो शॉट्स जिसमें मेरा ध्यान होता है वो अच्छे नहीं लगते, कुछ आड़े आड़े तेड़े से शॉट्स ही अच्छे लगते हैं ना. सही है, अजीब अजीब पंगा ले लिया ना मैंने. मुझे लगा सुपर डांसर पे कभी कभी सुपर से ऊपर परफॉर्मेंस होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हर रोज हर एपिसोड पे हर बच्चा सुपर से ऊपर परफॉर्म करता है, तो जो मैं चढ़ती हूँ ऊपर. बस आई रियली आई वर्कड विथ हिम. मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी खबर सुन के, बट मेरा ये मानना है कि फेथ कभी लूज नहीं करना चाहिए. तो आई रियली हैव फेथ. मैंने फेथ को छोड़ा नहीं है. आई थिंक ही विल कम आउट ऑफ इट. ही इज़ अ वॉरियर एंड आई थिंक ही विल फाइट इट. एक फोटो करा दीजिए मेकअप, मैडम का मेकअप करते हुए.